आज हम बात करने लगे हैं कि अगर आपके पास पेमेंट्स नहीं है, पैसे नहीं है होस्टिंग खरीदने के लिए, लास्ट लेक्चर के अंदर क्योंकि हमने एक पेड होस्टिंग और डोमेन बाय की थी, लेकिन आप लर्निंग पर्पस के लिए सिर्फ होस्टिंग और डोमेन लेना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और आप कोई भी पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे, तो आज के लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसान दानिश। आज हम बात करने लगे हैं कि अगर आपके पास पेमेंट्स नहीं है, पैसे नहीं है होस्टिंग खरीदने के लिए, लास्ट लेक्चर के अंदर क्योंकि हमने एक पेड होस्टिंग और डोमेन बाय की थी, लेकिन आप लर्निंग पर्पस के लिए सिर्फ होस्टिंग और डोमेन लेना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और आप कोई भी पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे, तो आज के लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से आप फ्री होस्टिंग और डोमेन ले सकते हैं जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। राइट, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका एक रुपया भी इसके ऊपर खर्च हो, इस लर्निंग के ऊपर, तो इसलिए मैं इसको मज़ीद आसान बनाना चाह रहा हूँ। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कि आप किस तरह से जो है एक डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे जस्ट हम सिंपल टाइप करेंगे फ्री वेबसाइट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस और एंटर करेंगे, क्योंकि अभी कुछ वेबसाइट्स फ्री होस्टिंग प्रोवाइड कर रही हैं, कल को वो वेबसाइट फ्री होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो इसलिए आपको आना चाहिए कि आपने वेबसाइट कुछ ढूंढनी है, ठीक है, जो फ्री डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड कर रही हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पस। वो .com की डोमेन के साथ नहीं आएंगी, वो सब डोमेन के साथ आएंगी, लेकिन आपका काम हो जाएगा, आपको लर्निंग पर्पस के लिए इन्वायरमेंट मिल जाएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे देखो कुछ लिस्ट मेरे पास आ गई, द फ्री वेब होस्टिंग सर्विसेज फॉर 2022। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखें, एक ऑप्शन है wordpress.com, इसको छोड़ दें ये, क्योंकि इसको हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 000 वेब होस्ट, ACCU वेब होस्टिंग, बाइट होस्ट, अवार्ड स्पेस, मैं इन दोनों को रिकमेंड करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बाइट होस्ट और अवार्ड स्पेस। तो अभी के लिए मैं रजिस्टर करने जा रहा हूँ बाइट होस्ट के ऊपर। राइट, तो सिंपल मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया bite.host। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे देखें मुझे फ्री होस्टिंग का टैब मिल गया, यहाँ पे सिंपल साइन अप फॉर फ्री होस्टिंग पे चले गए मैं, और यहाँ पे मैं अपना सब डोमेन दूंगा या कोई भी डोमेन दे दूंगा। राइट, मतलब कुछ भी लिख दूंगा, यहाँ पे अपना नाम लिख दें, अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी का नाम, अपने फ्रेंड का नाम लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सब डोमेन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से एनीथिंग, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मुझे अपना ईमेल देना है। ओके, यहाँ के लिए मैं जो है एक फ्री सर्विस यूज़ कर रहा हूँ ईमेल के लिए, आप कोई भी ईमेल दे सकते हैं, अपना जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, कुछ भी, लेकिन अभी मैं क्योंकि इसको जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए ले रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ से एक फ्री की डोमेन ले लूँगा, डिस्पोजेबल डोमेन, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा कुछ भी, और इंग्लिश, और यहाँ से मैं इसको टाइप करूँगा CC47F। ओके, 47F, ये सारा कुछ मैंने फिल आउट करने के बाद सिंपल मैंने क्लिक करना है रजिस्टर के ऊपर। तो रजिस्टर के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़े से टाइम के बाद ये मेरी जो होस्टिंग है उसको रजिस्टर कर देगा। अब ये कोई एक्शन नहीं ले रहा, मैं इस पर दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। दोबारा से क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आया, प्लीज़ रिफ्रेश द प्रीवियस पेज, द कैप्चा पजल हैज़ ऑलरेडी बीन सॉल्व। तो यहाँ पे जो है वो एक इशू आ गया है, तो आपने इस तरह के इशू से घबराना नहीं है, आप दोबारा से जाके वो फिल कर सकते हैं, या आप अपना ईमेल चेक कीजिएगा, एक्टिवेशन ईमेल आपको ऑलरेडी आ चुकी होगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, आई होप सो यहाँ पे एक ईमेल आ जाए जो इस होस्टिंग की एक्टिवेशन ईमेल होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वो एक्टिवेशन ईमेल आ चुकी है, मतलब ये एरर नहीं था, कोई ग्लिच की वजह से हो गया ऐसा, लेकिन मेरी जो डोमेन और होस्टिंग है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है, अब जस्ट मुझे इसको एक्टिवेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस ईमेल के अंदर, तो यहाँ पे देखें ये एक लिंक है, तो इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा सिंपल इस तरह से, और इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करके एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा मेरी डोमेन और होस्टिंग्स की डिटेल क्रिएट करने के लिए, तो मैं इसका थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जब तक कि मेरी होस्टिंग की जो डिटेल्स हैं वो क्रिएट कर देगा। ओके, तो इसके अंदर हमें होस्टिंग का पैनल मिलेगा, उस पैनल को लॉगिन करने के लिए एक URL देंगे, एक यूज़र नेम देंगे, और पासवर्ड हमें वही टाइप करना होगा जो हमने यहाँ पर साइन अप करते हुए दिया था। राइट,
तो यहाँ पे थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं और यहाँ पे ये कुछ जो सेटिंग्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब ये थोड़ा सा और टाइम लेगा और उसके बाद ये हमारी डिटेल्स हमें शो कर देगा, जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी होस्टिंग को एक्सेस कर पाएंगे और उसके ऊपर हम फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और वर्डप्रेस के ऊपर फिर आगे मज़ीद हम काम करेंगे। तो इस तरह से आप फ्री होस्टिंग लेके उसके ऊपर जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारी इसने जो डिटेल्स है वो सेव कर दी हैं। इन सारी डिटेल्स को आपने कॉपी करके रख लेना है अपने पास, लेकिन राइट नाउ मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो आप अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है, ये एक यूआरएल जो कि आपका सी पैनल कंट्रोल पैनल का यूआरएल है, जिसके ज़रिए आप अपना कंट्रोल पैनल मैनेज करेंगे। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अपने कंट्रोल पैनल में ले जाएगा और यहाँ पे मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। यूज़र नेम इसने देखे यहाँ पे कंट्रोल पैनल का यूज़र नेम क्रिएट करके दिया है, मैंने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है। ओके, और यहाँ पे कुछ स्पेस थी उसको मैंने मिटा दिया और पासवर्ड मैंने वो टाइप करना है जो यहाँ पे मैंने साइन अप करते हुए दिया था। यहाँ पे जब मैंने साइन अप किया था, लेट मी शो यू, यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड दिया था वो वाला पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, वो वाला आपने यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है। तो मैं वो वाला पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और सिंपल यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरे पास ये इंपॉर्टेंट नोटिस आ जाएगा, इसको मैं आई अप्रूव कर दूंगा। आई अप्रूव करने के बाद इसको मैं सेव कर सकता हूँ फ्यूचर लॉगिन्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कंप्लीट कंट्रोल पैनल आ चुका है, यहाँ से मैं अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा और जो भी मैनेजमेंट है वो यहाँ पे मैं करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और बाकी सारी जो मैनेजमेंट है कंट्रोल पैनल से वो करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।